मच वी अंडरस्टैंड लॉयल्टी, हम लॉयल्टी को कितना समझ पाते हैं, या एक्चुअली अगर हम लॉयल वर्ड के बारे में जानना चाहें तो लॉयल होना क्या चीज़ है। लॉयल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑनेस्टी, और ऑल्टरनेटिवली लॉयल्टी को ऑनेस्टी के साथ भी कितनी बार यूज़ किया जाता है। और ऑनेस्टी है कि हम अगर सही तरीके से अपना कंडक्ट, बिहेवियर और तरीके से अपने आप को मॉरली करेक्ट करके सही बात पुट कर सकें और उस पर हम डटे रहें। बीइंग लॉयल टू योरसेल्फ या अपने आप की तरफ ऑनेस्टी सिर्फ दो ही मायनों में साबित होती है कि जो बात हम अपने आप से कहें या कोई भी काम अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में सही होकर करें या अपनी तरफ हम कितने फेथफुल हैं। वाकई के हम डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हम अपनी तरफ कितने लॉयल हैं, या जितनी बातें हम कर रहे हैं दूसरों से वो हम कितना सोच समझ के बोल रहे हैं, और कितनी ही बातें हम मजाक में सिर्फ यूं ही कह जाते हैं। वहाँ मेरे अपने मॉरल प्रिंसिपल या एथिक्स क्या कहते हैं या क्या समझते हैं वो कहीं भी आता ही नहीं है। और वहीं हमारे जो दिमाग में बढ़ने वाले थॉट्स होते हैं वो उसी चीज़ की जगह ले लेते हैं। और लॉयल्टी सिर्फ एक थॉट या एक इमोशन या एक फैक्ट या सिर्फ किताबी में पढ़ने वाली बातें नहीं है। लॉयल्टी हमारी वो पर्सनालिटी का एक हिस्सा है जो हमें एक्चुअली प्रोजेक्ट करता है कि हम क्या चाहते हैं या आगे या किसी और को अपनी तरफ किस तरह मेंटेन करना चाहते हैं। और लॉयल्टी हमारी रिलेशनशिप्स में चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, दोनों ही जगह उतनी मायने रखती हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक हर किताब के आखिरी पन्ने पर या हर चैप्टर या हर अभ्यास ख़त्म होने के बाद हमें सिर्फ एक मेजर चीज़ समझ में आती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए या हर तरीके को या किसी भी दिए हुए काम को हमें ईमानदारी से निभाना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे हम छोटा सा गेम खेल रहे हों या आपस में बैठ कर बात कर रहे हों। ऐसा क्यों है? हर रिलेशनशिप की जो बुनियाद है वो ट्रस्ट पे डिपेंडेंट है, और ट्रस्ट, सबसे बड़ा ट्रस्ट आता है आपका लॉयल्टीज़ की तरफ से, ईमानदारी। कितने आप ईमानदार हैं अपने रिलेशनशिप में, वही रिलेशनशिप उतना स्ट्रॉन्ग बनता है। ऐसा क्यों है? क्या झूठ बोलने से रिलेशनशिप में कुछ और इफ़ेक्ट आता है या सच बोलने से रिलेशनशिप में इफ़ेक्ट अलग आता है? और कितनी बार कहा जाता है हमसे कि अगर कोई झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जाए तो वो झूठ नहीं है। क्यों? या कोई काम अगर हम किसी को फ़ायदे के लिए कर रहे हैं तो उसमें अगर ईमानदारी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो चल जाएगा। क्या हम अपने सांस लेने में थोड़ी और ऊपर नीचे हो जाएं तो कितना हमारी क्या कोई बॉडी पे इफ़ेक्ट नहीं आएगा? उतना ही इफ़ेक्ट आएगा। और इसी तरह लॉयल्टी का रिलेशनशिप्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और लॉयल्टी दूसरों के ही नहीं, अपने प्रति होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शुरुआत हर काम की अपने आप से होती है। अपने रिलेशनशिप्स में हम लॉयल्टी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं या कैसे उस पर टिके रह सकते हैं, इसका सबसे बड़ा पैरामीटर हम खुद हैं कि रोज़ हम अपने आप को जज करें या एनालाइज करें कि हमने कितने झूठ या कितनी रिलेशनशिप्स में हमने सिर्फ इसलिए झूठ बोला है कि हमें कोई बेनिफिट होगा। इसका सबसे बड़ा पॉइंट आपको अपने दिमाग में ये रखना होगा कि हमें हर रिलेशनशिप को तोल मोल कर देखना बंद करना पड़ेगा, विच मीन्स स्टॉप बीइंग जजमेंटल। अपने आप को भी मेंटेन कीजिए। कोई भी काम या बात बोलने से पहले उसके रेपरकशंस के बारे में या उसके बोलने के बाद होने वाले इफ़ेक्ट्स को सोच लीजिए कि इसको बोलने से या इस बात को कहने से इनके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और इफ़ेक्ट्स आपको इन टर्म्स में सोचने हैं। वन, इन टर्म्स ऑफ इफ़ेक्ट्स ऑफ व्हाट मैं क्या सोच रही हूँ, इसका फ़ायदा मुझे कितना होगा या नुकसान कितना होगा, क्या जिससे मैं ये बोलने वाली हूँ उसको भी कोई नुकसान होगा। थर्ड, मैं अपने एक्चुअली मॉरली क्या सोचती हूँ, क्या ये करना मेरा कितना सही है, गलत है, एनवायरनमेंट के टर्म्स में, बड़ों के टर्म्स में, मॉरल एथिकली। फोर्थ, आप अपनी लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स उन डिफाइन कीजिए, मैं ये काम नहीं करता तो नहीं करूँगा। जब हमारी लाइफ के प्रिंसिपल्स खुद डिफाइन हो जाते हैं तो हम कुछ उन रूल्स पर चलने के लिए सिर्फ अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है। और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो अपने अंदर की लॉयल्टी को हम बहुत हद तक मेंटेन कर सकते हैं।